इरहुल में कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, टर्म है जिसको आपको जानना है किसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है एल्टीट्यूड एंड इसको आप बोल सकते हैं ऑर्थो सेंटर, जिसको आप हिंदी में क्या बोलिएगा, हिंदी में आप इसको बोलिएगा शीर्ष लंब और लंब केंद्रक, शीर्ष लंब और लंब केंद्र, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। तो यहां देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। तो एल्टीट्यूड किसको कहते हैं, शीर्ष लंब किसके कहते हैं, तो शीर्ष लंब वो है जो किसी शीर्ष से मतलब किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट लाइन पे डाला गया जो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, वही शीर्ष लंब कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। जैसे इससे हम परपेंडिकुलर यहां डालेंगे इस लाइन पे, ये 90 डिग्री हो गया, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हम किस पे डालेंगे, इस पे डालेंगे, ये आपका क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर हो गया, और इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हम कहां डालेंगे, इस पे डालेंगे, इस पे डालेंगे, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के उसके अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले लाइन पे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वही उसका एल्टीट्यूड कहलाता है, और इस एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, और इस ऑर्थो सेंटर को हम एच से डिनोट करते हैं। आगे आप बात समझ में, यहां पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि अब ऑर्थो सेंटर देखिए, अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा, न्यून कोण त्रिभुज रहेगा, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो त्रिभुज के अंदर होता है, ठीक है। अब देखिए, मान के चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया गया, अगर यहीं पे हम 90 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहां पे होता है, तो देखिए इस वाले वर्टेक्स से, इसका नाम एबीसी दे दीजिए, इस वाले वर्टेक्स से यहां पे आप लंब डालिए, देखिए लंब डाले ऐसे आ गया, इस वाले वर्टेक्स से सामने वाले लाइन पे लंब डालिए, यहां आ गया, और इस वाले वर्टेक्स से इस पे लंब डालिए, इस पे लंब डालिए, ठीक है। देखिए ये और ये, मतलब तीनों इसके एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में होता है कि यहां पे ऑर्थो सेंटर न्यूनकोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर होता है, और समकोण त्रिभुज में कहां पे होता है, समकोण वाले वर्टेक्स पे, माने समकोण बनाने वाले जो बिंदु होते हैं वहीं पे हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। और आज ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की अगर बात आप कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए मान के चलिए एक आप ऐसे ट्रायंगल ले रहे हैं, दो गो, ये आपका ट्रायंगल है, इसका नाम है पी क्यू, ठीक है। तो अब इस वाले वर्टेक्स से इस लाइन पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखिए इस वाले वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर तो सीधा ना होता है, इसके नीचे ना आएगा, इधर तो जाएगा नहीं, इस लाइन को आप डॉटेड करके आगे की तरफ क्या कीजिए, बढ़ा लीजिए। ये जब आगे की तरफ आप लाइन बढ़ाइएगा, ये आपका लाइन कुछ ऐसे मिलेगा। अब यहां से इस वर्टेक्स से आप इस पे क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और इसको इधर आगे की तरफ बढ़ाइए, आगे तरफ बढ़ाइए। अच्छा, इस वाले वर्टेक्स से क्या करना है आपको, इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो लाइन अंदर है, इस लाइन को क्या कीजिएगा, बढ़ाइए। आप इस लाइन को जब बढ़ाइएगा तो देखिएगा कि इस पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो ये वाला आपका ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आगे बढ़ता हुआ आएगा और इस लाइन को यहाँ पे कट कर देगा, ठीक है। अब इस वाले वर्टेक्स से जो है आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, इस लाइन पे जब परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कीजिएगा तो ये आपका कुछ ऐसे आएगा, और इसको जब आगे आप बढ़ाइएगा इसको तो ये यहाँ पे आके कट कर देगा। तो देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या हुआ कि इसका जो ऑर्थो सेंटर है ये यहाँ पर हो गया, कहाँ आ गया, त्रिभुज के बाहर आ गया। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछ सकता है थ्योरेटिकल बेस्ड, यही क्वेश्चन होगा कि न्यून कोण में केंद्रक, ये लंब केंद्र कहां पे होता है, ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर होता है, समकोण त्रिभुज में कहां होता है, उसके समकोण वाले बिंदु पे होता है, और अधिकोण त्रिभुज में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहां होता है, ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के बाहर होता है, ठीक है। अब आइए कुछ और दिखाते हैं हम थ्योरी इसके आगे जो है, ये आप समझ गए, इसको हम मिटा लेते हैं, ऑर्थो सेंटर समझ गए। अब आता है मीडियंस और सेंट्रोइड, इसको आप हिंदी बोल सकते हैं माध्यिका और केंद्रक, माध्यिका और केंद्रक। ध्यान दीजिएगा, माध्यिका किसको बोलते हैं, मीडियंस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, ये आपका ट्रायंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है। तो मीडियंस का काम है मेरे दोस्त, मीडियंस वो है जो सामने वाले लाइन को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, वो आपका क्या कहलाता है,
मीडियंस कहलाता है। जैसे यहाँ पे मीडियन ड्रॉ कीजिएगा तो इसके लिए देखिए मीडियन क्या होगा, ये हो जाएगा, ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। इस लाइन के लिए मीडियन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। और इस लाइन के लिए मीडियन क्या हो जाएगा, ये आपको ये हो जाएगा, देखिए जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ क्या है, अलग अलग है, इसलिए तीनों साइड को ये हर एक साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वही लाइन मीडियन होता है। ठीक है, इस वर्टेक्स से आया है ये लाइन, ये लाइन यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा, ये वाला पीएल हो जाएगा, ये क्यूएन हो जाएगा, ये आरएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, और इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। केंद्रक समझ में आ गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्रक क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, किसी भी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो उसके मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो केंद्रक है इसके मीडियन को, इसके मीडियन को कितना रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है थ्योरेटिकल बेस में, इसको आप याद रखिएगा। दूसरी बात, इस ट्रायंगल के जो मीडियन होंगे ना, तो तीन मीडियन होगा ना, एक मीडियन ये, एक मीडियन ये, एक मीडियन ये, तो ये जो तीनों मीडियन होगा इस ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। कितना में, 6 इक्वल वाले ट्रायंगल, 6 इक्वल माने 6 समान इक्वल एरिया में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसमें 6 का ट्रायंगल बन जाएगा, वो इक्वल इक्वल एरिया वाला होगा। ठीक है, जैसे क्या क्या बन जाएगा, देखिए एगो ये वाला बन जाएगा, है ना, एगो ये वाला बन जाएगा, फिर एगो ये वाला बन जाएगा, फिर ई बन जाएगा, ई बन जाएगा, ई बन जाएगा, उस तरह से ये 6 हो गया। ये आपका किस चीज का होगा, मीडियन की बात हो गई। आइए आगे और देखते हैं। मीडियन समझ में आ गया ना, कि सामने वाली लाइन को दो बराबर भाग में बांटता है, वो क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं एंगल बाइसेक्टर, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एंगल बाइसेक्टर, एंड इसको बोला जाएगा इन सेंटर। ठीक है, कोण अर्धक जिसको आप बोल सकते हैं, कोण अर्धक और अंतः केंद्र, क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र। ध्यान दीजिएगा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज है ए बी और सी है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ना, इस कोण को दो बराबर भाग में बांटेगा, इस कोण को, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ये भुजा किस रेशियो में कितना में बांटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि इस कोण को क्या करेगा, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे ये कोण है ना, तो ये वाला इसका जो है क्या कर देगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, तो ये वाला जो लाइन कहलाएगा क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। तो वही चीज यहां पर भी है कि एंगल बाइसेक्टर, ए का एंगल बाइसेक्टर ये है, बी का एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और सी का एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, सी का एंगल बाइसेक्टर जो है आपका ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं, और इसे आई से डिनोट किया जाता है। किसे से डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। और यहां पे देखिएगा ये इन सेंटर हो गया ना, और इस इन सेंटर के हम इसको रेडियस मानते हुए अंदर में क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे, क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। तो जब एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को केंद्र मान के एक हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे, इसको कहा जाएगा अंतःवृत्त, इन सेंटर, और इसी को हम लोग क्या चीज कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो आपको समझ में आ गया। एक और होता है, ध्यान दीजिएगा, यही पे हम लिख रहे हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड इसको बोला जाएगा सर्कम सेंटर। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, सर्कम सेंटर। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, सर्कम सेंटर का परिकेंद्र, परिकेंद्र, सर्कम सेंटर का हिंदी क्या होता है, परिकेंद्र होता है। ठीक है, तो ये जो लंब अर्धक होता है, और ये परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है लंब अर्धक, लंब अर्धक। ठीक है, परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है, लंब अर्धक होता है। अब ध्यान दीजिएगा लंब अर्धक क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम क्या है, ए बी और सी है। तो लंब अर्धक क्या होता है कि त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु पे डाला गया जो लंब होता है वो लंब अर्धक कहलाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। जैसे
इस ट्रेन इस साइड का मध्य बिंदु क्या है, ये है। इस साइड का मध्य बिंदु क्या है, ये है। और इस साइड का मध्य बिंदु क्या है, ये है। तो इस बिंदु पे हम 90 डिग्री का जब कोण बनाएंगे, इस बिंदु पे जब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकाश से, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ से आधा से अधिक ले लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, फिर यहाँ से ऐसे काटिएगा तो बन जाएगा। तो ये आपका देखिए, मान के चलिए इधर आपका कटेगा, ठीक है, और इधर कहीं कटेगा आपका, ठीक है, इधर कहीं कटेगा। तो इसको जब मिलाइएगा ये 90 डिग्री होगा, ये क्या कहलाएगा आपका, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसी तरह से इसका जब परपेंडिकुलर आप बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिएगा तो ये आपका ऐसे जाएगा और ये यहाँ पे होगा, ये इधर कहीं कट करके आगे बढ़ेगा। इसका जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो ये ऐसे होगा, इधर आगे कट करके बढ़ेगा। और ये इसको सेंटर मान के यहाँ से आपको क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ, सर्कल ड्रॉ कर देना है। सर्कल यहाँ से ड्रॉ कर दीजिएगा तो ये आपका जो बनेगा सर्कम सर्कल कहलाएगा। और इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है इसे हम लोग सर्कम सेंटर करते हैं और इसे हम ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ भी ध्यान रखने वाली यही बात है कि अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो इसका जो होगा ये क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर कहाँ पे होगा, त्रिभुज के अंदर में होगा, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो इसका जो होगा ये कहाँ पे होगा, उसके कर्ण के मध्य बिंदु पे होगा, कर्ण के मध्य बिंदु, ठीक है। इसको दिखा देते हैं, जैसे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है, तो इसका नाम है ए बी सी। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर जब ड्रॉ कीजिएगा आप, इस लाइन का परपेंडिकुलर क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा इसके मध्य बिंदु से, इस लाइन के मध्य बिंदु से जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो ये क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। इस लाइन के जब मध्य बिंदु से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा इधर की तरफ, अच्छा इधर की तरफ। तो ये वाला जो बिंदु है ये आपका क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा, जिसको आप ओ से डिनोट कीजिएगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो देखिए लंब राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में कहां पे है इसका सर्कम सेंटर, तो ये हाइपोटेनस के मिडिल पॉइंट पे है, कर्ण के मध्य बिंदु पे है, ठीक है। उसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहां से देखिए इसका परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कीजिएगा तो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगा। इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, मान के चलिए मिडिल पॉइंट है, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसका जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा इसके मिड पॉइंट पे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो बिंदु होगा ये आपका क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर बाहर पे बाहर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के केस में सर्कम सेंटर उसके कर्ण पे होगा, अच्छा। और यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर कहाँ पे होगा, उस ट्रायंगल के अंतर में होगा। अगर यहाँ से आपसे पूछ दे इसका कि इसका त्रिज्या कितना होगा, सर्कम सेंटर का रेडियस कितना होगा, इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया ना, इसको मिटाते हैं। आपसे यहाँ से पूछ दे कि रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, नहीं ये समबाहु त्रिभुज का पूछ दे रहा है ना, समबाहु त्रिभुज का पूछ दे रहा है यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, परित्रिज्या ये हो जाएगा भुजा और बटा में हो जाएगा टू, बटा में हो जाएगा रूट थ्री, ठीक है। ये आप फॉर्मूला है याद रखिएगा, ये सर्कम सेंटर है तो इसका ये परित्रिज्या, समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या पूछ देगा, तो ये जगह भुजा बटा रूट अंडर थ्री। ये भुजा क्या है, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा तो बराबर ही होता है ना, ये केवल समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये अंतः त्रिज्या है, तो आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या इन सेंटर कितना होगा, तो ये होगा भुजा बटा में टू रूट अंडर थ्री, ठीक है। इस पे जब क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट तो कराया जाएगा।